नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं सातवीं कक्षा का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण का मेगा क्विज। मेगा क्विज में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और उस 30 सेकंड में आपने YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि जब भी आप कमेंट करोगे उसके बाद राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है और वो क्यों आया है। तो पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी रैखिक समीकरण है। चार ऑप्शन है आपके पास दी गई, ए बी सी डी। आपने बताना है कि कौन सी रैखिक समीकरण है। तो इसके लिए टाइमर मैंने आपके लिए इनेबल कर दिया है। देखते हैं कितने बच्चे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैं आपको पहले भी कई बार कहा है कि हर बच्चा कमेंट किया करे, और कमेंट करना अति आवश्यक ये भी है क्योंकि आपको पता चलता है कि आपने क्या सोचा था और आंसर क्या आया और क्यों आया। टाइम समाप्त हो चुका है और पहले प्रश्न का जो आंसर है बेटा वो है हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, क्यों आया डी। हमने क्या पूछा था, निम्न में से कौन सी रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के लिए बेटा ये होता है कि एक तो उस समीकरण के अंदर बराबर का निशान होना जरूरी है और दूसरी बात उसके अंदर एक चर वैल्यू होनी जरूरी है। कौन सी वैल्यू, चर वैल्यू, ये आना जरूरी है। अब आप कहोगे सर चर क्या होता है। चर होता है जैसे x, y, z, m, n, p लिखा होता है ना समीकरण के अंदर, उसको चर बोलते हैं। और जो नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, ये अचर वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। तो इन दोनों बातों का उस समीकरण में होना जरूरी होता है। तो पहली ऑप्शन देखें, बराबर का निशान नहीं है तो ये नहीं हो सकती। दूसरी ऑप्शन देखें, बराबर के निशान की जगह पे ग्रेटर का निशान है, बड़े का निशान है, ये भी नहीं हो सकती। तीसरी ऑप्शन के अंदर बराबर का निशान है लेकिन चर वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। तो चौथी ऑप्शन हमारी बिल्कुल फिट बैठती है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, समीकरण 7y+3 = 19 में चर कौन सा है। आपने ये बताना है कि इसमें चर वैल्यू कौन सी है। टाइमर मैंने इनेबल कर दिया है, 30 सेकंड का समय है। ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन आपने चूज करनी है और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही दे पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ये, तो इसके साथ ही समय समाप्त हो चुका है और जो आपका आंसर है वो है बी ऑप्शन। बेटा आपसे पूछा गया था चर वैल्यू कौन सी है। चर मैंने आपको बताया था जो अननोन वैल्यू होती है, जिसका पता नहीं होता कितनी वैल्यू है हमें, ठीक है, तो उसको चर वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पे वाई जो है वो चर वैल्यू है। क्लियर। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि नई वीडियो आ चुकी है। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे जाते हैं हम। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, एक पद को समीकरण में एक दूसरे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना क्या कहलाता है। स्थानापन्न, कर्म विनिमयता, वितरता और सहचारिता, ये आपने बताना है। टाइमर इनेबल कर दिया गया है, मैं वेट करता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं।
बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। टाइम समाप्त होता हुआ इसका आंसर आएगा आपके पास स्थानापन्न। देखो वैसे भी नाम से भी क्लियर है, जब हमने एक पक्ष से दूसरे पक्ष के अंदर किसी पद को लेकर जा रहे हैं तो हम उसका स्थान चेंज कर रहे हैं, तो इसको स्थानापन्न बोला जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है हमारे पास, x का वह मान जिसके लिए व्यंजक 3x-4 और 2x+1 बराबर हो जाएंगे, इनमें से x का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये दोनों के दोनों व्यंजक समान हैं। टाइमर को इनेबल कर दिया गया है, वैल्यूज पुट अप करके देख सकते हो आप कि कौन से मान के लिए ये दोनों के दोनों व्यंजक समान हो जाएंगे। टाइम शॉर्ट होता हुआ जल्दी करें, कमेंट करें। इसके साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और जो आपका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 5 आप पुट अप करके देखो, इसके अंदर 5 × 3 = 15, 15 में से 4 निकाल ली तो कितना आंसर आएगा 11। यहां देखिए 5 × 2 = 10, 10 + 1 कितना आंसर आएगा 11। क्लियर? तो 5 के लिए ये दोनों के दोनों 11 के बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 5 है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारे पास, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, मतलब प्लस के हैं, तो समीकरण ax = b का हल सदैव होगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, 1 होगा या 0 होगा, ये आपने बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। टाइम शॉर्ट हो रहा है बेटा, जल्दी से कमेंट किया करें, जल्दी से कमेंट किया करें। टाइम समाप्त हो चुका है और जो आपका आंसर है वो आएगा ए। मींस अगर ए और बी दोनों के दोनों धनात्मक हैं तो आपको पता है यहां पे एक्स का मान कितना आएगा बेटा, उधर उस साइड पड़ा था बी, जो ए यहां पे गुना में था, ये गुना में था ना, ये उस साइड जाकर भाग में चला जाएगा, तो बी भी यहां पे पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, सिक्स्थ प्रश्न है हमारे पास, कथन एक्स के, कथन है ये, एक्स के 4 गुने में 5 जोड़ने पर 39 प्राप्त होता है, तो समीकरण में इसको दर्शाना है हमने कि समीकरण में हम इसको कैसे लिखेंगे। आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ABCD ऑप्शन आपके पास नहीं है, x के 4 गुने में 15 जोड़ने पर 39 प्राप्त होता है, समीकरण बनानी है इसकी। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा, एक्स के 4 गुने, देखो एक्स का 4 गुना मतलब 4x, क्लियर, एक्स गुना 4, हम इसको क्या लिख देते हैं 4x, कितना जोड़ने पर, 15 जोड़ने पर, ये देखिए मैंने इसके अंदर कितना जोड़ दिया 15, कितना आंसर प्राप्त होता है हमारे पास 39 प्राप्त होता है, क्लियर। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, ओके जी। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई पहेली में अज्ञात मान निर्धारित करें,
ठीक है, हमने यहां पे बताना है कि इनका मान क्या होगा। ये एक डायमंड है और जहां पे चार स्टार लगे हुए हैं। टाइमर को इनेबल कर दिया गया है, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट होता हुआ जल्दी से कमेंट करें। टाइम समाप्त हो चुका है बेटा और इसका आंसर मैं आपको निकाल के देता हूं कि क्या आएगा। ये देखें, यहां पे डायमंड है जो और एक स्टार है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? आठ है ना। अगर इन दोनों की वैल्यू आठ है तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आठ। क्लियर। अगर इन दोनों की वैल्यू आठ है तो यहां पे आप देखें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू दस थी तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दो। ओके जी, अगर इसकी वैल्यू दो हो गई, इसको हम इसके अंदर पुट अप करते हैं, इसकी वैल्यू दो आ गई तो स्टार की वैल्यू कितनी आएगी फिर? आठ। सॉरी, स्टार की वैल्यू कितनी आएगी? छह आएगी, क्योंकि छह प्लस दो आठ होता है। क्लियर। तो एक जो स्टार है वो हमारे पास सिक्स आ गया, एक जो डायमंड है वो टू आ गया। तो देखो फिर ये भी सिक्स, ये भी सिक्स, ये भी सिक्स और ये भी सिक्स। क्लियर। सिक्स को चार बार जोड़ते हैं 24 आ जाता है, 24 और इसकी वैल्यू कितनी है? दो है। तो फिर हमारे पास आंसर कितना आया इसका? 26, 26 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर आठ। आठवें प्रश्न में पूछा गया है एक डैश वह समीका है जो समीका के चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ठीक है, बोलो कौन सी समीका है जो समीका के सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, टाइमर को इनेबल कर दिया गया है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। आंसर आपका पता है आपको कौन सा आना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। समय समाप्त हो चुका है बेटा। अगर आप चैप्टर का नाम थोड़ा सा ध्यान से देखूं, चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल इक्वेशंस, जिसकी हिंदी में मैंने आपको बताया था सरल समीकरण। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास समीकरण आएगा। एक समीकरण वह समीका है जो समीका के चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर नौ, नौवां प्रश्न है हमारे पास समीकरण 3x+5 बराबर है शून्य का हल कितना होगा, यह बताना है। बड़ा आसान प्रश्न है, टाइमर को इनेबल कर दिया गया है, देखते हैं कितने बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। जल्दी करें। समय समाप्त हो चुका है और जो आपका इसका आंसर आएगा बेटा वो आएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो पांच को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो -5 हो जाएगा। क्लियर। और ये जो तीन गुना में पड़ा है ये कहां पे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, भाग में। तो -5/3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, टेंथ प्रश्न है हमारे पास -1 किस समीकरण का हल नहीं है। पुट अप करके देख लो आप, बड़ा आसान और जल्दी से आप इसका आंसर ढूंढ पाओगे। जल्दी से कमेंट करें, -1 किस समीकरण का हल नहीं है।
टाइम शॉर्ट हो रहा है, एंड हो चुका है बेटा समय, तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं क्या आना चाहिए। अगर हम माइनस एक को इसके अंदर पुट अप करते हैं तो माइनस एक प्लस एक कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने कहा है कि किसका हल नहीं है, इसका हल तो है जी। फिर माइनस एक यहां देखें एक्स की जगह पे माइनस एक पुट अप करता हूं, फिर माइनस एक आता है, माइनस एक कितना होता है, माइनस का दो होता है, लेकिन हमारे पास जो आना चाहिए वो दो आना चाहिए। इसका मतलब माइनस एक इस समीकरण का हल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आ गया बी। क्लियर। एक्स की जगह पे जब हम माइनस एक पुट करते हैं तो माइनस एक यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, बायां साइड है, उसमें माइनस दो आ जाता है, लेकिन दाएं साइड के अंदर दो है, दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब इस समीकरण का हल ये नहीं है। उसके बाद इलेवंथ क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ एक तीली को हिलाकर निम्न रोमन समीकरण को, रोमन है यहां पे, मेरे से गलत मिसप्रिंट है ये, समीकरण को हल करें। ये रोमन के अंदर बनी हुई समीकरण है, सिर्फ आपने एक तीली को हटाना है ताकि ये समीकरण सही हो जाए। तो कैसे आप करोगे इसको, टाइमर इनेबल कर दिया गया है। आपने लिख के बताना है कि इनमें से कौन सी तीली को हटाकर कहां पे रखना है हमने। देखते हैं कितने बच्चे के माइंड में ये प्रश्न सही तरीके से आ जाता है और वो आंसर देते हैं। समय समाप्त हो चुका है इसका बेटा। आंसर जो आएगा हमारे पास, ये एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से किसी भी एक, दोनों में से एक तीली को हटा देंगे हम और यहां पे रख देंगे, ठीक। अब यहां पे जब हम रखेंगे तो ये है हमारे पास पांच, है ना, तो यहां से तो हट गई, ये है हमारे पास एक। पांच प्लस एक कितना होता है, छह होता है, और इस साइड भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, छह लिखा हुआ है। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। बारहवें प्रश्न में इन्होंने पूछा है हमसे समीकरण 7x प्लस 4 बराबर में 25 में x का मान ज्ञात करें। ये आपने बताना है कि x का कितना मान आएगा। टाइमर को इनेबल कर दिया है मैंने, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाएंगे। आसान प्रश्न है बेटा, इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हुई हुई है। सभी बच्चे कमेंट करें कि कितना आंसर आएगा। जुबानी भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। 7x प्लस 4 बराबर में 25, x का मान ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है। समय समाप्त हो चुका है, इसका आंसर क्या आएगा बताता हूं मैं आपको। ये देखें, इस साइड प्लस का 4 पड़ा है, इस प्लस के 4 को जब मैं इस साइड लेकर जाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। जब ये माइनस का 4 होगा तो मेरे पास यहां पे कितना आ गया, 21 आ गया। क्लियर। ये जो 7 है ये गुना में पड़ा है, डिवाइड में आ जाएगा भाग के अंदर, सॉरी 7 लिखना है मैंने। क्लियर। अब 7 के पहाड़े में 21 को जब हम काटते हैं तो ये 3 पे कटता है, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा, 3। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13वें प्रश्न में इन्होंने कहा है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y माइनस 15 और 2y प्लस 1 दोनों समान हो जाएं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। ए बी सी डी में से कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज करनी है। मैं वेट करता हूं। टाइम शॉर्ट होता हुआ टाइम समाप्त हो चुका है। जो इसका आंसर है वो है हमारे पास डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कैसे आया,
ये मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा -16 जब हम इस समीकरण इसके अंदर पुट अप करते हैं -16 तो -15 क्योंकि माइनस ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, -16 -15 वाई का मान मैंने -16 पुट अप किया तो आंसर कितना आएगा, -31 दोनों माइनस के थे तो आंसर -31 आ गया। उसके बाद इसके अंदर पुट अप करते हैं हम -16 को 2y मींस यहां पे पुट अप करते हैं तो -32 आता है क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, एक माइनस यहां पे पड़ी है। फिर प्लस 1 -32 + 1 कितना आंसर आना चाहिए, -31 आना चाहिए क्योंकि 32 हमने देने हैं, एक हमने लेना है। ठीक है, तो दोनों के दोनों y के इस मान के लिए बराबर हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न बड़ा आसान है, x 3 से 7 ज्यादा है को समीकरण में दर्शाएं। x 3 से 7 ज्यादा है, बोलो इनमें से कौन सी समीकरण इस जो स्टेटमेंट है इसको दर्शा रही है, आपने बताना है। टाइम समाप्त होने को और समाप्त हो चुका है, तो देखें बेटा यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, x 3 से 7 ज्यादा है मतलब क्या हुआ, x 3 से 7 ज्यादा, x में से अगर हम 7 माइनस कर देते हैं ठीक है तो वो 3 के बराबर आ जाएगा, यही बात हुई ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो इसको, x 3 से 7 ज्यादा है इसका मतलब x में अगर हम 7 माइनस कर दें तो वो 3 के बराबर आ जाएगा ना। तो x में 7 माइनस कहां किया हुआ है, यहां पे देखें, x में 7 माइनस कर दी तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो इसका मतलब ये हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। x में से 7 माइनस करने पर ये देखो, x 3 से 7 ज्यादा था, 7 माइनस कर दिया तो 3 के बराबर आना चाहिए, तो ये समीकरण इसकी फिट बैठती है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, वो है हमारे पास अगर x बटा में 2 बराबर में 3 हो तो 3x + 2 का मान ज्ञात करें। यहां से आपने x का मान निकालना है, इसके अंदर पुट अप करना है। आपको हिंट भी दे दिया मैंने, 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त हो चुका है, आंसर देखते हैं कितना आएगा। यहां पे देखें x बटा में 2 बराबर में 3 है, अगर हम इस 2 को यहां से हटा दें तो ये गुना में चला जाएगा, है ना। क्यों गुना में चलेगा, भाग वाली जो नंबर होता है वो गुना में चला जाता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, x का मान अगर 6 है तो यहां पर पुटअप करें, 6 * 18 प्लस का 2, 18 + 2 कितना आंसर आएगा, 20, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ए ऑप्शन इसका आएगा हमारे पास आंसर। दोबारा फिर बताता हूं, नीचे 2 पड़ा था, ऊपर गुना में चला गया, x का मान 6 आ गया, 6 * 18 + 2 = 20 इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। 16वें प्रश्न में x का 10 * 70 है, इसको समीकरण में बदले। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं YouTube के कमेंट बॉक्स के ऊपर। x का 10 * 70 है, समय समाप्त होने को है, समाप्त हो चुका है बेटा।
तो इसका आंसर आएगा x का 10 गुना, आपको पहले भी कई बार बताया है, तो 10x आ जाएगा, बीच में कोई भी निशान नहीं होगा। गुना वैसे हम गुना डाल सकते हैं लेकिन लिखने में इसको नहीं डाला जाता। x का 10 गुना किसके बराबर है? 70 के बराबर है। तो ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी इसकी, क्लियर। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इसका, लास्ट प्रश्न में पूछा गया है निम्न को समीकरण में बदले, अगर हम z के एक तिहाई में 3 जोड़ देते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है, तो इसको समीकरण में बदलकर दिखाएं कि क्या आंसर आएगा। टाइमर इनेबल हो चुका है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। समय समाप्त हो चुका है, तो इसका आंसर आएगा बेटा देखो जेड का कितने तिहाई? एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब 1/3, अगर जेड को 1/3 से गुना करोगे तो जेड 3/3 बन जाता है ना, क्योंकि जेड को 1 से गुना करके तो फिर जेड आ जाएगा। जेड का एक तिहाई में 3 जोड़ने पर, तो जी 3 जोड़ दिया हमने तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 30। ये हमारे पास समीकरण बन गई, ये आंसर आना चाहिए इसका, क्लियर। ये इसका लास्ट प्रश्न था। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।